निरंकारी जगत के दिव्य समाचारों का गुलदस्ता न्यूज डिवाइन। डू वॉच न्यूज डिवाइन ऑन द 10th ऑफ एवरी मंथ which includes salvation tours of His Holiness. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की हर महीने होने वाली गतिविधियों पर अब आपकी भी नजर रहेगी। देखते रहिए अंतर्राष्ट्रीय योगदानों का ब्यौरा मिशन ओवरसीज में। Various samagams and other news and of course a beautiful section called Ek Khas Mulaqat. The blissful journey of spiritual and social contributions. News Divine. News Divine. निरंकारी न्यूज जस्ट क्लिक अवे। अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है News Divine. हर महीने की 10 तारीख को लॉग ऑन करें www.nirankari.org पर और देखते रहिए न्यूज डिवाइन। न्यूज डिवाइन के जुलाई अंक में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए इस माह के दिव्य समाचारों की इस यात्रा में आपके साथ रहूंगा मैं राकेश। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, हर महीने निरंकारी परिवार के विश्व बंधुत्व के प्रयासों को देखने के लिए आप जितने आतुर होते हैं, हम भी उतनी ही तत्परता से आप तक ये सभी सूचना व समाचार लाने को लालायित रहते हैं। और इस महीने के समाचारों में तो बहुत से विशेष अंग हैं, तो आइए प्रारंभ करते हैं न्यूज डिवाइन के जुलाई सफर का सिलसिला प्रमुख समाचारों के साथ। हेडलाइंस ऑफ द मंथ: सेल्वेशन टूर्स एंड समागम्स, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जुलाई के महीने में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और पूज्य माता जी ने विदेश में बसने वाले भक्तों को अपने पावन आशीर्वादों से कृतार्थ किया। जहां नॉर्थ अमेरिका के अनेक शहरों में गुरुदेव के पावन सानिध्य में विशाल सत्संग व समागम आयोजित होते रहे, वहीं यूथ कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से सभी युवाओं को जागृत करने का प्रयास भी किया गया। द थीम ऑफ दीज डिस्कशंस वॉज अ वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, ब्रिजिंग ह्यूमैनिटी पीस बाय पीस। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। कल्याण यात्राओं की लड़ी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज व पूज्य माता जी ने जुलाई महीने में भी विदेश कल्याण यात्रा पर रहते हुए अनेक स्थानों पर जाकर भक्तों को निहाल किया। 1 जुलाई को सदगुरु बाबा जी एवं पूज्य माता जी कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल पहुंचे। 2 जुलाई को इस दिव्य जोड़ी का आगमन हुआ कनाडा के कैलगरी शहर में। यहाँ पर दिव्य जोड़ी का भावभीना स्वागत किया गया और एक सत्संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। Same spirit lives in all. We are all children of one God. Myself, I travel the whole world, as I'm sure His Holiness travels a lot as well. And every city has its tradition. If it's San Francisco, they have a tradition there. When I travel to India, there's traditions there. When you come to Calgary, the tradition is to present people with a white hat. And I'm very honored to be here and to be able to present His Holiness with a white hat on behalf of Marie and myself. His Holiness has said that blood should flow in veins. The torch bearers are bringing in happiness in the lives of others who are giving smiles on the faces of the others. And the beliefs which were based on ignorance, because ignorance represents darkness, and the beliefs based on ignorance by these torch bearers,
those persons got rid of their ignorance, hence they were established in the truth. 4 जुलाई को भी कैलगरी में ही बाबा जी व पूज्य माता जी की छत्र छाया में एक विशाल यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय था अ वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, यानी दीवारों के बिना विश्व। इस कॉन्फ्रेंस में न केवल कनाडा बल्कि यूएस, यूके, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया व इंडिया के विभिन्न भागों से भारी संख्या में युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचारों को साझा किया। इस कॉन्फ्रेंस में सतगुरु बाबा जी ने भी युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए आशीर्वाद में कहा, द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, द मैन मेड बैरियर्स, द वॉल्स विच हैव बीन क्रिएटेड in so many ways, in so many forms, they have proved harmful. So walls are not acceptable for right-minded people, for saints. That what is harmful has not to be continued or to be strengthened. 8 जुलाई को ट्रेसी में हुजूर बाबा जी का आगमन हुआ। यहाँ पर भी सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। And it says, Ambassador of Peace, presented to His Holiness, Baba Hardev Singh Ji, for his dedication and continued commitment to making the world a better place. दस जुलाई को इस दिव्य जोड़ी का आगमन हुआ लॉस एंजलिस में। ग्यारह जुलाई को यहाँ लॉस एंजलिस में नॉर्वॉक के नए बने सत्संग भवन का उद्घाटन हजूर बाबा जी के पावन कर कमलों द्वारा किया गया। यहाँ लॉस एंजलिस में एक भव्य समागम का आयोजन भी हुआ। We wanted to send our thoughts of appreciation to Sant Nirankari Mission and for His Holiness for supporting the Alzheimer's Association and the work that we do to try to support families who are experiencing Alzheimer's. And to provide services and to help all of us lead less stressful lives when we experience some decline in memory, and that there are many ways that we can live healthier and happier even when we experience these kinds of diseases. Certificate of Special Congressional Recognition presented to Sant Nirankari Mission, Satguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, in honor of the Spiritual Enlightenment Congregation, honored by the U.S. State of House of Representatives in appreciation of your coordination of the spiritual enlightenment in the country. You are a beacon of community and should be commended for your leadership. And signed, Representative Jeff Denham, 10th Congressional District. Thus we have to love and care for one another and those in need, and are so blessed to be able to share and to learn. Apart from the spiritual aspect of the Nirankari Mission, which is a core principle of the mission, the belief of one God, the acceptance of all, the Nirankari Mission also partakes in a lot of social work across the globe. The Nirankari Mission now is taking on a mammoth project in India, in Delhi, which is our world headquarters, where we are building a 1,250-bedded super speciality hospital. Now, unfortunately, there are not many people who have access to good medical healthcare, and this has been something which is very close to His Holiness's heart. Lord Jesus Christ's teachings are based on love, compassion, tolerance. Where is the tolerance? Where is love? Where is compassion? For that matter, of all the saints, Prophet Muhammad, Shri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Lord Rama, all the saints and sages, they taught us to love each other, to be tolerant. The differences which we have, as was mentioned earlier in this congregation, unity in diversity. God's creation is in a diverse form, what we are seeing.
As I often mention that the universe, the creation of God, the planetary system, the planets, Earth is different from Sun, Sun is different from Moon, Moon is different from Jupiter. And here on Earth itself, there are mountains. Mountains are not like deserts, and deserts are not like oceans. So many colors we have, so many species we have, so many languages we have, so many mode of diet and dresses we have, so many cultures we have. So there is so much diversity. The need is not of uniformity, but of unity. सत्रह जुलाई को ये काफिला पहुंचा टेक्सास के डैलस शहर में। इस अवसर पर चर्च के प्रीस्ट डॉक्टर मार्क फर्नांडिस, शहर के मेयर बेथ ड्यून तथा समाज के कई गणमान्य सज्जन उपस्थित हुए। 18 जुलाई को दिव्य जोड़ी का आगमन हुआ एटलांटा में, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। अटलांटा के बाद 19 जुलाई से 30 जुलाई तक अमेरिका के कई और शहरों में सिंसिनेटी, शिकागो, मिलवॉकी, मिनियापोलिस, एन आर्बर, रोचेस्टर में भी इसी तरह के भव्य सत्संग समारोह हुए, जहां यूएसए के भक्तजनों को इस दिव्य जोड़ी के भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका प्राप्त हुआ। 31 जुलाई को यूएसए से ये काफिला सद्भावना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पुलों को बांधता पहुँचा कैनेडा के टोरंटो शहर में। After this report on the salvation tours of His Holiness, it is time to share another delightful news with all our viewers. Friends, I hope you remember the glory and bliss that thousands of devotees enjoyed in August 2012, when the first Nirankari International Samagam, NIS, was held in the city of Birmingham, UK. Since then, every devotee has been waiting for the second International Samagam. Well, the true master, Baba Hardev Singh Ji Maharaj, has blessed us with another chance to celebrate divinity in the summer of 2016 in the city of Toronto, Canada. So dear saints, get ready for the second edition of the amazing Nirankari International Samagam, NIS2. Way to go. Keep following the coming episodes of News Divine for further details. Let's take a short break now. न्यूज डिवाइन आपके लिए लेकर आता है निरंकारी जगत की सूचना व समाचार, जिसमें आप देखेंगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा, सेल्वेशन टूर्स में निरंकारी मिशन की इंटरनेशनल खबरें, मिशन ओवरसीज में चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे सामाजिक योगदानों की जानकारी, SNCF डायरी में, और साथ ही समाज के प्रतिष्ठित सज्जनों की विचारधारा से रूबरू होंगे एक खास मुलाकात में। देश विदेश के कोने कोने में हो रही निरंकारी जगत की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज डिवाइन। Welcome back, viewers. It is now time for the news from the international centers of the mission in the section Mission Overseas. The SNM branch of Calgary, Canada, participated in the famous Calgary Stampede held on the 4th of July 2015. A replica of the Fountain of Oneness was exhibited on a tableau in the parade, where hundreds of Nirankari youth volunteers shared the message of truth and love
raising slogans of oneness in the presence of His Holiness Nirankari Babaji. The people present at the stampede were hugely impressed by the ideology and efforts of the mission. Many congregations and blood donation camps were also organized in various branches of the mission worldwide. A street cleanup event was also organized during July 2015 in New Jersey, USA. Banagaji, dear saints, I'm here today at the Sant Nirankari New Jersey branch where all the Mapuche have come together to show the importance of the street cleanup. And we'll be speaking to some of the Mapuche who've come from near and far to show that this community is one community. Seva hi paramo dharma. The real righteousness is to serve the human beings and serve the surroundings. This seva is very important to us. As we're talking about it, this isn't our street, this isn't our parking lot, this isn't our city either, or this state for that matter. But you know, this we come to this place every Sunday. Not just that, I mean, we have been taught that this whole world, this whole universe is ours. Cleaning it from the place that's nearest to us, that's the way to start it. Clean street. Clean soul, clean mind, clean heart, clean house, clean universe. This is the teachings of Sadhguru for universal brotherhood, one family, one world. It's important because as we are part of this community, we have to serve this community as well, and it's our responsibility. Let's be clean, let's be clean, let's be clean. Aur dosto, ab samay hai ye janne ka कि जुलाई के महीने में निरंकारी मिशन द्वारा समाज कल्याण के क्षेत्र में कौन कौन से योगदान दिए गए। SNCF डायरी में 5 जुलाई को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा निरंकारी सरोवर परिसर की सफाई का अभियान चलाया गया, जिसमें दिल्ली और NCR में रहने वाले फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस सफाई अभियान में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने विशाल सरोवर परिसर की नालियां, झाड़ियां तथा पार्क की सफाई की। SNCF की ओर से 15 जुलाई को संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें जहां बच्चों का संपूर्ण हेल्थ चेकअप किया गया, वहीं उन्हें साफ सफाई से रहने के लिए प्रेरित भी किया गया। इसी प्रकार अवतार एन्क्लेव में भी निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच की गई। ब्लड डोनेशन कैंप की लड़ी में जुलाई के महीने में भी अनेकों स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, जिसमें हरियाणा में फरीदाबाद व पंचकुला, पश्चिम बंगाल में शांतिपुर, महाराष्ट्र में पुणे, अल्फेटा, अंधेरी व मुंबई, जम्मू कश्मीर में दोमाना, बिहार में समस्तीपुर, यूपी में गाजियाबाद व सहारनपुर, पंजाब में रायपुरानी प्रमुख रहे। 5 जुलाई को SNCF की ओर से मुंबई में एक आई चेकअप कैंप भी लगाया गया। NVC की श्रृंखला में 10 जुलाई को फरीदाबाद में एक निरंकारी वोकेशनल केंद्र खोला गया। इस वोकेशनल सेंटर में युवाओं को बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी लड़ी में लुधियाना में चल रहे NVC के सेंटर में फर्स्ट बैच ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाई गई, जिसमें छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, खासकर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफी हुई है। निरंकारी वोकेशनल सेंटर के अंडर जो NIIT से कोलैबोरेटेड हमें ये जो सर्टिफिकेट दिया, कोर्स करवाया, जैसे CCIP है, जिसमें ये जो फर्स्ट बैच था मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात है, सर्टिफिकेट तो मिला ही मिला, लेकिन इसके साथ बाबा जी की आशीर्वाद भी मिली। 15 जुलाई को SNCF और गांधी ग्लोबल, UNIC और हॉसलिंग इंटरनेशनल न्यू दिल्ली ने मिलकर यूथ स्किल डे मनाया, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया गया। ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए 25 जुलाई को महाराष्ट्र के वर्ली मुंबई में ट्री प्लांटेशन भी किया गया। After SNCF diary, let us move to the next section of News Divine, which is other news. But before that, a short break. We'll be back in a minute. Look, 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 look.
निरंकारी जगत के दिव्य समाचारों का गुलदस्ता न्यूज डिवाइन। डू वॉच न्यूज डिवाइन ऑन द 10th ऑफ एवरी मंथ which includes celebration tours of His Holiness. Sant Nirankari Charitable Foundation की हर महीने होने वाली गतिविधियों पर अब आपकी भी नजर रहेगी। देखते रहिए अंतरराष्ट्रीय योगदानों का ब्योरा मिशन ओवरसीज में। Various samagams and other news and of course a beautiful section called Ek Khas Mulaqat. The blissful journey of spiritual and social contributions. News Divine. News Divine. Nirankari News just a click away. अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है न्यूज डिवाइन। हर महीने की 10 तारीख को लॉग ऑन करें www.nirankari.org पर और देखते रहिए न्यूज डिवाइन। दोस्तों आप सभी का न्यूज डिवाइन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों हमें आपके साथ ये सूचना साझा करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि निरंकारी जगत का 68वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक समागम 14, 15 और 16 नवंबर 2015 को आयोजित होने जा रहा है। इस समागम की अन्य सूचनाएं आप तक अगले एपिसोड में हम लेकर के आएंगे। और आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन एक खास मुलाकात की ओर, जहां हम एक विशेष मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी विचारधारा से आपको रूबरू करवाते हैं। इस बार हमारे साथ हैं लॉरेंसवर एटलांटा जॉर्जिया के मेयर मिसेस जूडी जॉनसन। आइए करते हैं एक खास मुलाकात। We are with Mayor Judy Johnson, who is the mayor of Lawrenceville here in Atlanta, Georgia, USA. Tell us how you feel. What are you taking back from here today? First of all, I want to thank you for the invitation to be here today. In all the messages that were given, there was a message of unity and peace among our nations. Especially in the city of Lawrenceville and other cities, we have a diverse population. So this message that I will take back is one that I am glad to say is being shared throughout all the nations, that we need to unite as one, we need to love each other, and we need to live in peace. What is your impression about, you know, the humanity factor when it comes to like particular cultures, you know, all the different diverse cultures? You are indeed correct, especially in the city of Lawrenceville. Sometimes I feel like our residents are a part of the United Nations because we have so much diversity. But in our diversity, we also have uniqueness. And I think one of our problems is we tend to only focus on our culture, and we are not very open to the culture of others. So that is what I hope, that we can be open to the culture of others so that we can all live together in peace and harmony. I certainly hope that we can achieve all of the goals and the missions, because we need to live as one nation, and as said earlier by another lady, we need to live as one family. So I certainly hope that I will see that in my lifetime, but if it is not in my lifetime, I certainly hope for the young children that I saw in this place today. और अब अन्य समाचारों की यात्रा करने से पूर्व हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त को निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी सरोवर के सामने स्थित ग्राउंड्स में मुक्ति पर्व समागम का आयोजन किया जा रहा है, जहां सदगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी की मौजूदगी में माता बुधवंती जी, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी व अन्य कई संतों के उन योगदानों का स्मरण किया जाएगा जिनसे इस सात्विक मिशन की आधारशिला मजबूत हुई। और इस वर्ष तो विशेष स्मृति रहेगी ममता की मूर्त निरंकारी राजमाता जी की, जो पिछले वर्ष 29 अगस्त को इस नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में समा गई। कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। और अब अन्य समाचार। निरंकारी मिशन के प्रचार विभाग की ओर से जुलाई के महीने में भी अनेकों स्थानों पर बाल समागम आयोजित किए गए, जिनमें से 5 जुलाई को हैदराबाद के खैराताबाद में, 5 जुलाई को ही राजस्थान के बीकानेर में ये समागम आयोजित किया गया। यहाँ पर बच्चों ने भक्ति के अनेकों पहलुओं को उजागर किया। जुलाई महीने में ही 13 तारीख को निरंकारी मिशन की मसूरी ब्रांच को नगर द्वारा मिशन के समाज सेवा के निरंतर दिए जा रहे योगदानों के लिए सम्मानित किया गया। प्रचार विभाग द्वारा निरंकारी युवाओं के मार्गदर्शन व ज्ञान वर्धन के लिए दिल्ली व मुंबई में निरंकारी यूथ वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां युवाओं के सार्थक योगदान के सूत्रों के साथ साथ निरंकारी मिशन के इतिहास और विचारधारा पर चर्चा व लेक्चर दिए गए। बारिश के इस मौसम में आज 11 जुलाई को हम यहां पर द्वारका के इस भवन पर यूथ वर्कशॉप को अटेंड करने आए हैं, जहां पर नॉर्थ इंडिया से काफी महापुरुष आए हुए हैं इस यूथ वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए।
चाहे बारिश जितनी भी तेज हो और किसी भी तरह से उनके जोश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आइए देखते हैं कहां कहां से महापुरुष आए हुए हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका सल्होत्रा आज जलंधर से ये यूथ वर्कशॉप अटेंड करने आई है। आज हम इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नई जानकारी मिली, निरंकारी मिशन की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। आई एम अमित तिलवानी स्पेशली हियर इन दिल्ली फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ टू अटेंड द नेशनल यूथ वर्कशॉप एंड सो फार व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस वर्कशॉप इज हाउ कैन वी प्रोपगेट द मिशन टू द मासेस एंड व्हाट एक्चुअली सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वॉन्ट्स द यूथ टू डू। माई नेम इज़ पूनम नागपाल, आई एम फ्रॉम हिसार एंड आई एम लेक्चरर बाय प्रोफेशन। Earlier when I have not joined that workshop, I was going to satsang and considering it is just a duty that going to satsang and coming back, not more means just simran, bhakti. I was just concerned about the spirituality. But today when I attend this workshop, it was really worthy for me. I had many doubts in my mind, there was no clarity that what to do, what is the proper mission, what is the purpose of this mission. I was considering that going to satsang, singing some songs and presenting some vichars and afterwards it is overall completed. But today they have given me a proper guidance, a motivation that what the youth can do for this. यूथ वर्कशॉप का अगला भाग इलाहाबाद में 7 और 8 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है। 17 और 18 जुलाई को गुजरात के गोधरा में प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से एक मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें निरंकारी मिशन में हो रहे मीडिया से संबंधित कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। तो ये थे समाचार जुलाई 2015 के। दोस्तों, अगले महीने मुक्ति पर्व के साथ साथ सदगुरु बाबा जी की कल्याण यात्राओं व अन्य सेक्शंस के साथ एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ डिवाइन की समस्त टीम को अनुमति दीजिए। अपने फीडबैक्स व सजेशंस हमें newsdivine@nirankari.org पर अवश्य भेजते रहें, हमें इंतजार रहेगा। अंततः इजाजत दीजिए राकेश को। नमस्कार, धन निरंकार।